विष्णुपाद परमहंस प्रभुजगाचार्य श्री भक्त वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री शालिग्राम शिला की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 18 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 17 पे चर्चा किया था। आज का श्लोक आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। उदारः उदारः सर्व एवेति ज्ञानी ज्ञानी त्वात्मेव त्वात्मेव मे मे मतम मतम आस्थिता सा ही योक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम मामेवानुत्तमां गतिम। शब्दार्थ उदारा विशाल हृदय वाले सर्वे सभी एव निश्चय ही एते ये ज्ञानी ज्ञान वाला तो लेकिन आत्मा एव मेरे समान ही मैं मेरे मतम मत में आस्थिता स्थित स वह ही निश्चय ही योक्तात्मा भक्ति में तत्पर माम मुझ एव निश्चय ही अनुमुत्तमाम परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य को। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। निसंदेह ये सब उदार चेतता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेतता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं,
और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मध्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मध्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाम्बितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं, निसंदेह ये सब उदार चित्ता व्यक्ति हैं, किंतु ये मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान बोल रहे हैं कि ये सब उदार चित्ता व्यक्ति, ये सब का मतलब है जिनके विषय में भगवान ने बोला, चार प्रकार के आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये चारों के चारों जो भक्त हैं, चूंकि इन्होंने एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण ले रखी है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं निसंदेह ये सब उदार चित्ता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। जो वास्तविकता में समझता है कि भक्ति का लक्ष्य क्या है, भगवान की शरण ग्रहण क्यों करनी है, जो ये जानता है कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान हैं और उनकी ही शरण में रहता है, अन्य किसी देवी देवता के पास नहीं जाता, तो इतना ज्ञानी व्यक्ति भगवान बोलते हैं किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्त को जो ज्ञानी है जो ये जानता है कि वास्तविकता में मेरा भाव क्या है, मेरा मूड क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, वो मेरे ही समान है।
और आगे बोलते हैं, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यानी जो भगवान का वास्तविक भक्त है उसको भगवान को प्राप्त करने में कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन निसंदेह ये सब उदार चित्ता व्यक्ति हैं, सारे भक्त हैं, सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जिसको ये ज्ञान है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान का सेवा करना और भगवान की शरण ग्रहण करना है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करेगा। वो मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। भगवान इस बात का इस श्लोक में गारंटी दे रहे हैं। लेकिन कौन प्राप्त करेगा? जो वास्तविकता में जान रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान का भक्ति करना है, भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो हम सब लोगों को वास्तव में भगवान का शरण लेना चाहिए। और गीता में वास्तविकता में एक ही ज्ञान है, जिसको विभिन्न विभिन्न तरह से विभिन्न विभिन्न प्रसंगों में समझाने और बताने का प्रयास किया गया है कि हम सब भगवान की शरण ग्रहण करें। इसलिए भगवद गीता का अगर एक श्लोक में कहा जाए कि पूरी भगवद गीता का एक श्लोक कौन सा है जो पूरी गीता का सार है, तो वो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। ये एक श्लोक पूरी गीता का सार है, पूरी गीता का निचोड़ है। यानी पूरी गीता का एक ही उद्देश्य है, गीता के ज्ञान का एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोग भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें, एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें। और ऐसा करने से क्या होगा? अगर हम सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो भगवान हमें समस्त प्रकार के पापों से, इस जन्म और अनंत जन्मों में जो हमारे पाप हुए हैं, उनसे भगवान हमको मुक्त कर देंगे और हम वास्तविकता में भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन उस कृपा पात्र बनने के लिए क्या करना होगा? दो शर्तें हैं, एकमात्र यानी अनन्य भक्ति कृष्ण की, दूसरा शरण ग्रहण करना। हमको संसार का शरण ग्रहण नहीं करना है, संसार के सामर्थ्यवान लोगों का शरण ग्रहण नहीं करना है, संसार की वस्तुओं धन पद इनका शरण ग्रहण नहीं करना है, हमको एकमात्र भगवान का शरण ग्रहण करना है। और अगर हम भगवान का शरण ग्रहण कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम गीता के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। गीता का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम भगवान का शरण ग्रहण करें। और भगवान ने अर्जुन महाराज के माध्यम से ये लीला, जब भगवान इस धाम में थे तो उन्होंने इस गीता के ज्ञान के द्वारा, जो अर्जुन भगवान के आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं था, जो अपने ही स्वजन बंधुओं से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, वो अर्जुन इस गीता के ज्ञान को प्राप्त करके समस्त प्रकार के मोह से मुक्त होकर के भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। तो अगर हम भी गीता के पाठक हैं, गीता के साधक हैं, या गीता का मनन कर रहे हैं, गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं, या गीता जी की शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको भी इस सर्वोच्च लक्ष्य पर अपने ध्यान को हमेशा केंद्रित रखना चाहिए कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। और अगर हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाते हैं तो भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं, जगह जगह भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति एक निष्ठता से मेरी शरण ग्रहण कर लेगा वो निश्चित रूप से मेरे धाम वापस आएगा, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। हालांकि भगवान की शरण ग्रहण करने पर चार प्रकार के लोग हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करते हैं। जैसे अगर कोई बीमार है या किसी को कोई कष्ट है, तो निश्चित रूप से अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान से अपने कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना कर सकता है। इसमें भी प्रेम का आदान प्रदान है। किसी व्यक्ति को धन का अभाव है, किसी व्यक्ति के मन में धन की इच्छा है, विषय भोगों की इच्छा है, तो वो भगवान से अपनी इच्छा को रख सकता है। लेकिन जिज्ञासा किसी का कोई जिज्ञासा है तो वो भी भगवान से अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट कर सकता है। लेकिन ये सारे प्रेम के आदान प्रदान हो सकते हैं कि अगर हमने भगवान का, जैसे हम अपने माता पिता का शरण लेते हैं, हम अगर माता पिता के शरणागत हैं तो अगर हमारी कोई आवश्यकता है तो हम अपने माता पिता से उसका अनुरोध करते हैं
और माता पिता उसको पूरा करते हैं। लेकिन ये हम कर सकते हैं, प्रेम का आदान प्रदान होता है, लेकिन हमको भगवान का निस्वार्थ भाव से शरण लेना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम भगवान से कोई कामना रख करके भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सेवा शुद्ध सेवा में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम भगवान से कोई अपेक्षा रखे बिना, केवल क्योंकि भगवान से अपेक्षा इसलिए नहीं रखना क्योंकि भगवान तो जानते ही हैं कि हमको क्या चाहिए, हमारी क्या आवश्यकता है, तो भगवान तो उसे स्वतः पूरा कर रहे हैं, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवान का भक्ति नहीं भी करें तब भी भगवान आपको सब कुछ देंगे जिसके आप पात्र हैं, जिसके लिए आप योग्य हैं। भगवान की कृपा ऐसा नहीं है कि हम अगर भगवान का भजन करेंगे तब भगवान हमारे ऊपर हमको धन देंगे, हमारे रोगों से मुक्त करेंगे। भगवान की तो वैसे ही विशेष कृपा है, लेकिन भगवान की असली कृपा है उनके प्रेम को प्राप्त करना। इसलिए हम सब लोगों को भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी हम एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करें, फिर वो मेरी मनोवांछित वस्तुएं मुझे मिलें या न मिलें, फिर भी हम एकमात्र कृष्ण से ही शरण ग्रहण करें, तब भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे हम अगर हमने किसी स्वामी का शरण ग्रहण कर रखा है और सेवक एकमात्र स्वामी से ही आग्रह करे, एक ही स्वामी से आग्रह करे कि प्रभु हम आपकी सेवा में हैं, मुझे ये आवश्यकता है, और स्वामी अगर उचित समझे तो दे, नहीं उचित समझे तो नहीं दे, लेकिन सेवक अपने स्वामी को न छोड़े, सेवक फिर भी स्वामी की सेवा करता रहे, तो ऐसा भाव से भी स्वामी प्रसन्न होता है। तो संसारी स्वामियों की जब ये स्थिति है तो भगवान तो अत्यंत दयालु है, लेकिन अनन्य भक्ति पर गीता में विशेष जोर दिया गया। इसलिए हम सबको भगवान की अनन्य भक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण का एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करें, और किसके साथ? पूर्ण ज्ञान के साथ। भक्ति भी अगर ज्ञान पर आधारित नहीं है तो निश्चित रूप से वो भक्ति भावुक भक्ति बन जाती है, वो व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करवा पाती। कारण भक्ति का मतलब सेवा है, लेकिन ज्ञान किस बात का कि किसकी सेवा करनी है। कई बार भक्ति भावना में आकर के लोग कुछ कुछ भी करते हैं तो ऐसा भक्ति उसको लक्ष्य प्राप्ति नहीं करवाएगी। इसलिए भक्ति में व्यक्ति को इतना ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हमको भक्ति करनी किसकी है और भक्ति किस आधार पर करनी है, भक्ति कैसे करनी है, हमारे स्वामी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये ज्ञान के होने के बिना अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भक्ति का वो फल नहीं आता। इसलिए वास्तविकता में भक्ति है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र, और भक्ति करने पर ज्ञान स्वतः आ जाता है, क्योंकि भक्ति माता को गाय के तुल्य बताया और ज्ञान और वैराग्य उनके बछड़े हैं। श्रीमद् भागवत महात्म में हम सब जानते हैं कि श्रीमद्भागवत में भक्ति देवी जो है, उनके भक्ति देवी हैं और उनके दो पुत्र हैं, वो ज्ञान और वैराग्य हैं। तो जब कोई भगवान की सेवा करता है तब निश्चित रूप से उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों आते हैं। ज्ञान ये कि वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और परमात्मा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनकी शरण ग्रहण करना प्रत्येक जीव का एकमात्र उद्देश्य है। ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान भक्त को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जब कोई वास्तविक भक्ति करता है तो व्यक्ति ये बात स्पष्ट हो जाती है उसके हृदय में कि हमको भगवान का शरण ग्रहण करना है और एकमात्र भगवान ही सब कुछ है, और उसको संसार से विरक्ति होने लगती है, सांसारिक लोगों से या सांसारिक चर्चा करने वाले व्यक्तियों से उसका विरक्ति होने लगता है। ऐसे लोगों से बहुत अधिक आनंद उसको नहीं आता, उसको सुख की अनुभूति नहीं होती। तो ये वैराग्य उसी व्यक्ति में आता है जब व्यक्ति वास्तविक भक्ति की ओर अग्रसर होता है। अगर हम वास्तव में भगवान का भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर ये संसार के प्रति विरक्ति स्वाभाविक ही आएगी, वो कृत्रिम रूप से हमको करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः हृदय में आएगा। आपको सांसारिक लोग, सांसारिक चर्चा, सांसारिक कार्यकलाप बहुत अधिक नहीं भाएंगे जब आप भगवान का भक्ति गंभीरता पूर्वक करेंगे। हाँ, जीवन निर्वहन के लिए जितनी आवश्यकता है, भगवान ने हमको जो व्यवस्था दी है उसका निर्वहन करने के लिए निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन संसार के विषय भोगों के प्रति हमारा वास्तव में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा अगर हम भगवान कृष्ण का वास्तव में भक्ति करेंगे तो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हम सबको समझा रहे हैं तात्पर्य में कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो भगवान को प्रिय नहीं है, वो भी भगवान को प्रिय है क्योंकि भक्त तो है ना। लेकिन वे बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेतना हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि अभी अगले श्लोक में कल हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं बहुना नाम जन्मामंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो व्यक्ति महात्मा है जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। जन्म जन्मांतरों के बाद जब किसी को ज्ञान होता है तब वो एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण करता है। वो अन्य किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति या देवता का शरण ग्रहण नहीं करता, वो एकमात्र परम भगवान की ही शरण ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप ऐसे अपने ऊपर इस बात को लेकर के देखेंगे तो समझ जाएंगे, आपका पुत्र अगर आपकी ही शरण लिए रहता है, आप पर ही एक निष्ठता से आपके ऊपर निर्भर है, तब वो आपके प्रति आपके हृदय को जीत लेता है, वो आपके हृदय को जीत लेता है। और अगर आपका पुत्र है तो आपका पुत्र, लेकिन वो और सांसारिक लोगों के पीछे भाग रहा है और आपने उसको उत्पन्न किया है, आपसे वो कोई लेना देना नहीं रख रहा, तो निश्चित रूप से पुत्र होने के नाते तो आप उसके कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, लेकिन उसके प्रति वो झुकाव नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम सब लोग भौतिक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, हालांकि भौतिक उदाहरण कभी भी आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से सटीक नहीं बैठते, लेकिन हम भौतिक चीजों से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वास्तविकता में भगवान क्या चाहते हैं। तो चूंकि प्रेम जब भी होता है तो प्रेम अनन्यता चाहता है, प्रेम ये नहीं चाहता कि थोड़ा इससे थोड़ा उससे थोड़ा उससे, प्रेम का मतलब है भगवान से प्रेम। और फिर भगवान को केंद्र में रख करके भगवान से जुड़ी हुई भगवान की प्रत्येक वस्तु से प्रेम, ये प्रेम का विस्तार है। पहले हमारा भगवान से तो प्रेम हो, फिर निश्चित रूप से भगवान की जो सृष्टि है, भगवान से उत्पन्न जीव है, भगवान का ही सब कुछ है, परा अपरा, इन सब से प्रेम हो जाता है। लेकिन वो तभी संभव है जब कम से कम भगवान से तो प्रेम हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने भगवान से प्रेम करने का सबसे सरल माध्यम हमको बताया, भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक 16 माला का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। हम चाहेंगे जो भक्त रेगुलर सत्संग में आते थे उनका क्या स्थिति चल रहा है, वो कितनी माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वो चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। जो लोग अभी भी इतना स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी अगर 16 माला का जाप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने आत्म के हत्यारे हैं, वो अपना वो आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसी आत्महत्या जिसका उनको एहसास भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो सांसारिक चीजों में लगे हुए हैं। इतना समय होने के बावजूद भी अगर हम 16 माला के प्रति गंभीर नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमारे दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हम सबको इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए, और जब हम इस लॉकडाउन में निरंतर 16 माला का जप करेंगे तो हमको भगवान के नाम का जो आनंद है, जो रस है, वो प्राप्त होने लगेगा, और फिर हम भगवान की माला को अपने आने वाले जीवन में भी, अपने समस्त सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी अपना नाम जप निरंतर कर पाएंगे।
लेकिन अभी जो समय चल रहा है इसमें हमें कम से कम 16 माला तो बहुत गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए जो नए लोग हैं, और जो लोग पुराने हैं उनको गंभीरता पूर्वक अपनी मालाओं को बढ़ाना चाहिए। इस समय हमको कम से कम 32 माला का जाप जरूर करना चाहिए, हो सके तो 64 माला कर सकते हैं, लेकिन आप जब हम क्वांटिटी की मात्रा बढ़ाएंगे तभी क्वालिटी निकलेगा। इसलिए हम सबको नाम जप पर विशेष ध्यान देना चाहिए जितना कर सकें, लेकिन कम से कम 16 माला का बहुत ध्यान पूर्वक एक एक शब्द सुनते हुए जाप हम में से प्रत्येक भक्त को बहुत गंभीरता पूर्वक नियमित करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनसे स्नेह का विनिमय होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। हम जैसे प्रेम किसी भक्त को कुछ देते हैं तो वो हम लोगों को कुछ देता है, या वो हमको कुछ देता है तो हम लोग उसको कुछ देते हैं, तो ये प्रेम का आदान प्रदान है। इसी प्रकार से अगर कोई भक्त अगर अपनी शारीरिक बीमारी से स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से शरण ग्रहण करता है, भगवान से अनुरोध करता है, तो निश्चित रूप से भगवान उसकी याचना को सुनते हैं और उसको लाभ देते हैं और प्रेम का आदान प्रदान होता है। कोई धन की इच्छा रखता है तो अगर वो धन की इच्छा भगवान से करता है कि भगवान मुझे धन की आवश्यकता है जिससे मैं अपने जीवन निर्वाह को अच्छी तरह से कर सकूं, तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और ये प्रेम का आदान प्रदान। लेकिन होना चाहिए एकमात्र श्री कृष्ण से ही, ऐसा नहीं कि आज श्री कृष्ण से मांगा, साल दो साल तीन साल चार साल पाँच साल छः साल दस साल और नहीं मिला तो कहा 10 साल बेकार हो गए, अच्छा होता थोड़ा साईं बाबा का पूजा किया होता तो माला माल हो गए होते, तो ऐसी भावना रखने पर, या हम कुछ और कर रहे होते, व्यापार का शरण लिया होता हमने, ये भगवान का भजन करने से क्या फायदा, व्यापार का शरण लेते अच्छा बिजनेस करते तो निश्चित रूप से हम धनवान हो जाते, हमने तो व्यर्थ में अपना समय गमाया भक्ति में, इतना समय और व्यापार में लगा देते तो निश्चित फायदा हो जाता, ये हमने जो 2-4 घंटे भगवान को दिए सेवा में दिए ये निश्चित रूप से हमारे बेकार हो गए। तो ऐसी भावना रखने वाले लोग निश्चित रूप से भगवान की कृपा पात्र नहीं हो सकते। इसलिए हम सब लोगों को एकनिष्ठ होकर भले ही हमारे हृदय में कुछ कामनाएं हों, लेकिन हम अपनी उन कामनाओं की पूर्ति भी केवल एकमात्र अपने आराध्य अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से कहें। और अगर हम अपनी अनन्यता पर अडिग रहते हैं और जीवन पर्यंत रहते हैं तो एक संस्कार तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि कम से कम भगवान की शरण ग्रहण करने का अभ्यास हो जाएगा। ये हमारी चित्तवृत्ति पर जो कार्य हम बार बार करते हैं बार बार करते हैं बार बार करते हैं उसका छाप पड़ता है और वही हमारे संस्कार बनते हैं अगले जीवन में। तो अगर हमने इस जीवन एकमात्र कृष्ण से ही अपनी अनुरोध किया है, अपनी इच्छाओं को रखा है, अपनी कामनाओं को रखा है, तो निश्चित रूप से ये भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 साल श्री कृष्ण का पूजा किया काम नहीं बना तो बोले चलो चेंज करते हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की पूर्ण कृपा का पात्र नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं समझा रहे हैं क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है, वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं, और जब भगवान का भक्ति करते हैं भगवान से अनुरोध करते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो भगवान के प्रति उनका स्नेह और बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि आज जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से है, तो वो और गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना है। और ज्ञानी भगवान को क्यों प्रिय है, क्योंकि जो ज्ञानी भक्त है उसको सांसारिक विषय वासना नहीं चाहिए, उसको संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, उसको एकमात्र भगवान ही चाहिए, उसे भगवान से केवल भगवान ही चाहिए, भगवान से भगवान की व्यवस्था नहीं चाहिए। हम सब लोग वास्तविकता में भगवान की सेवा भगवान की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए करते हैं, भगवान की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, बस
भगवान ही प्राप्त नहीं करना चाहते, लेकिन जो ज्ञानी है, जो विवेकवान है, वो व्यक्ति भगवान से भगवान को ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता। और निश्चित रूप से वो बुद्धिमान है, क्योंकि उसने जब भगवान मांग लिए तो भगवान की समस्त शक्तियां उसके पास आ गई। अगर भगवान आ गए तो समस्त शक्तियां उसके पास आ गई। लेकिन जो मूर्ख हैं वो भगवान की एक शक्ति मांगेंगे कि हाँ लक्ष्मी मिल जाए, वो दूसरी शक्ति मांगेंगे कि हाँ हमें भूमि मिल जाए, भूदेवी मिल जाए, श्रीदेवी मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं मांग रहे हैं कि हमें पूरे भगवान ही मिल जाए। अगर पूरे भगवान मिल गए तब निश्चित रूप से सब कुछ हमको मिल गया, फिर और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञानी विवेकवान होता है, इसलिए वो भगवान से भगवान को मांगता है, भगवान से सांसारिक किसी वस्तु को नहीं मांगता। इसीलिए ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है, और ज्ञानी के भगवत धाम जाने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोरा ज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी कौन सा ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्त है। यहां शुद्ध भक्त को ज्ञानी बोला जा रहा है। ज्ञानी का मतलब है जो जान रहा है कि श्री भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में परब्रह्म परम भगवान है। ये वो ज्ञानी नहीं है जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानता है लेकिन भगवान के साकार स्वरूप के प्रति उसका आस्था नहीं है। यहां पर वास्तविकता में भगवान, यहां ज्ञानी जो बोला जा रहा है वो भगवान के शुद्ध भक्त का ही वर्णन है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे भी उससे विलग नहीं रह सकते। जब हम वास्तव में भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान की भक्ति करे बिना, भगवान की सेवा किए बिना, भगवान का नाम जप किए बिना, भगवान की चर्चा किए बिना, भगवान का प्रचार किए बिना हमको चैन ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये स्वाभाविक है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेमी का चिंतन स्वाभाविक होता है, करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम प्रेमी, जब हम प्रेमी का चिंतन करने की कोशिश करें तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम का मतलब है स्वाभाविक चिंतन। जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो उसका हम स्वाभाविक उसको याद करते हैं, उसको मिस करते हैं, उसकी कमी को महसूस करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं या उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जब हमारा भगवान से प्रेम होगा तो भगवान का चिंतन स्वाभाविक होगा, करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चूंकि हमारा भगवान से अभी प्रेम नहीं है इसलिए हम भगवान से, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा में होते हैं, तब भी हम भगवान के पास नहीं होते, तब भी हम संसार में होते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारी मनोविकृति है जिसके कारण हम वास्तविकता में भगवान की शरण नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे या हमारा भगवान से वास्तव में प्रेम हो जाएगा तो हम भगवान की सेवा किए बिना, भगवान का प्रचार किए बिना, भगवान का नाम जप किए बिना, भगवान की गीता सुने बिना, भगवान की लीलाओं को सुने बिना हमको चैन ही नहीं आएगा। और ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। भक्त को भगवान प्रिय है और भगवान को भक्त प्रिय है, और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में भी 9वें स्कंद के 4वें अध्याय के 68वें में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मध्यम साधु नाम हृदयम त्वम मध्यंते ना जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। भक्तगण, भगवान बोल रहे हैं, भक्त मेरे हृदय में सदैव वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त के, भक्त को कभी नहीं बोलता। भक्त का एकमात्र लक्ष्य भगवान है, वो निरंतर भगवान को स्मरण करता है, और जब वो भगवान को स्मरण कर रहा है तो भगवान से उसका सीधा संपर्क है। भगवान उसको भूल कैसे सकते हैं? भगवान तो वैसे ही किसी को नहीं भूलते, लेकिन भक्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि निरंतरता में उनका अनवरत चिंतन जाप ध्यान कर रहा हो। ऐसे भक्त को भगवान कैसे भूल सकते हैं? तो हम सब भी अपने जीवन में ऐसे शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करें जिससे हमारा भगवान से वास्तविकता में प्रेम हो सके, और हम भगवान से प्रेम करते हुए
इस धराधाम को छोड़कर भगवान के धाम वापस जा सकें। और जब तक इस धराधाम में भी रहें तो जहां भी रहें वही स्थान वैकुंठ हो जाए, क्योंकि जहां भगवान का नाम है, जहां भगवान का लीला है, गुणगान है, लीलाओं का गुणगान है, जहां भगवान की वाणी का गुणगान है, जहां भगवान का चिंतन है, भगवान का सेवा पूजा है, वही वैकुंठ है। तो वास्तविकता में भगवान के भक्त इस संसार में भी जहां कहीं भी रहते हैं वो हमेशा वैकुंठ में ही रहते हैं, और जब इस शरीर को छोड़ते हैं तब वो भगवान के नित्य सनातन लोग गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। तो हम सब भक्तों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान की शरण ग्रहण करना और भगवान से प्रेम करना, और प्रेम स्वाभाविक होता है और ये स्वाभाविक है हम सब के अंदर, लेकिन भौतिक प्रकृति के टच में आने के कारण ये भगवत प्रेम काम में परिवर्तित हो गया है, और ये काम संसार में जो हमारे अंदर कामना का भाव है, जो भी कामनाएं काम है हमारे अंदर, इसका कारण वो प्रेम ही है, लेकिन वो प्रेम इस काम में परिवर्तित हो गया है। हम पुनः इस काम से अगर छुट्टी पा जाएं तो पुनः प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग सांसारिक कामनाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते, सांसारिक काम से बाहर नहीं आना चाहते, इसीलिए हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो पाता। हम लोग ईमानदारी से अगर काम पर नियंत्रण पाएं, काम का मतलब है कामनाएं, सांसारिक कामनाएं, और काम का मतलब है लस्ट, तो इसलिए हम लोग अगर इन दोनों चीज़ों से निकलें और भगवान की एकमात्र शरण ग्रहण करें तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा हो सकती है और हमारा काम पुनः प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन काम से निकलना होगा, यानी काम को भगवान की सेवा में लगाना होगा, फिर ये काम प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये केवल जब तक हमारे पास मनुष्य शरीर है तभी तक ये सुविधा है कि हम अपने काम को प्रेम में परिवर्तित कर सकें। ये मनुष्य शरीर एक बार छूट जाने के बाद फिर किसी भी योनि में ये सौभाग्य हमको नहीं मिलेगा कि हम अपने काम को प्रेम में परिवर्तित कर सकें। काम को प्रेम में परिवर्तित करने के लिए ये मनुष्य जीवन बहुत बड़ी सहायता करता है, बल्कि एकमात्र ये सहायक है। इसलिए ये मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हो गया है तो इसका हम सब सदुपयोग करें और भगवान का प्रेम प्राप्त करें, लेकिन भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए जो पहली शर्त है उसको कभी ना भूलें, और वो पहली शर्त है भगवान की शरण ग्रहण करना, और भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है भगवान के नाम की अपराध रहित शरण ग्रहण करना और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना अपराध रहित। ये दो चीजें अगर आप कर लिए जीवन में, कि अगर भगवान का नाम अपराध रहित कर लिए और भगवान के भक्तों का संग अपराध रहित कर लिए, तो निश्चित इसी जीवन में 100% बिना संदेह के हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, और उसका अनुभव जीते जी हम कर पाएंगे कि हम वर्तमान परिस्थिति में भी वैकुंठ की अनुभूति कर पाएंगे। लेकिन शर्त ये दो हैं, अपराध रहित भगवान के पवित्र नामों का निरंतर जाप और भगवान के शुद्ध भक्तों का सही तरीके से अपराध रहित होकर के सेवा भाव से संग करना, हृदय के साथ संबंध बनाते हुए संग करना, तब निश्चित रूप से हम भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके सानिध्य से हमको भी भगवान का चिंतन करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपकी कृपा से भगवान का चिंतन, भगवान की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।